जिस प्रदेश की सरकार सीना ठोक कर ये दावा करती है कि हमने अपराध पर लगाम लगाने का काम किया है, उसी प्रदेश में अपराध का एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसे देख पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर की, जो जाना जाता है कालीन भैया के नाम से। दरअसल मिर्जापुर के लालगंज पुलिस ने जौनपुर से अपहरण और लूट की बुलेरो के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वाहन में हाथ पैर बंधे वाहन मालिक, जो खुद गाड़ी लेकर निकला था, जिसे लहू लुहान मुंह पर गमछा बंधे हुए हालत में बरामद किया गया है। एक मिनट सर, क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद दुबे। दुर्गा जी, ये बताइए कि आपको कौन लोग लेके जा रहे थे, क्या करते हैं आप काम? बस यही बोलोरो और खेती के बारे में। हाँ, तो गाड़ी चलाते हैं आप? जी। तो गाड़ी से किसको आप बैठा, कहाँ ले जा रहे थे, कैसे आप? सुजानगंज सर। कितने गाड़ी बुक हुआ था? 400 में। तो कितने लोग थे गाड़ी में जो बैठे थे? तो 5 लोग। तो कहाँ लेके जा रहे थे लोग, ये बताइए सर? सुजानगंज से रामनगर बोले तो मतपुर बोले कि ससुराल चलिए, वहाँ से खा लें। पुलिस आपका हेल्प कैसे की? यही गाड़ी यहाँ पे आए टोलटा नीचे, तो जो है वहीं पे जो है पकड़े, पुलिस पकड़ ली। जी, तो आपको सुरक्षित बचा ली पुलिस ने? जी जी जी। तो आपको कैसे हाथ गोड़ बांध के बैठाए थे, कैसे बैठा? हाथ पैर पूरा बांध के मुंह में बंद करके। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। ठीक है जी। हरिपुर सुजानगंज निवासी वाहन मालिक दुर्गा प्रसाद दुबे को कुछ लोगों ने 12 नवंबर की शाम को डिलीवरी के लिए अपनी पत्नी को ले जाने की बात कहकर गाड़ी को बुक किया था, जिसके बाद रास्ते में बदमाश चालक वाहन मालिक दुर्गा प्रसाद दुबे को जख्मी कर गाड़ी की चाबी और मोबाइल छीन लिया। पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्र ने बताया कि मध्य प्रदेश की ओर जाते समय लालगंज पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, जिस पर वाहन सवार तेज गति से भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर उन्हें रोका और गिरफ्तार कर लिया। जनपद मिर्जापुर में थाना लालगंज टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जो अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहा था। कल चेकिंग के दौरान में एक गाड़ी पकड़ी गई थाना लालगंज क्षेत्र में, इसमें करीब 5-6 लोग सवार थे। इन जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसी गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति लहू लुहान अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको चोट लगी हुई थी। पूछताछ के दौरान में उसने बताया दुर्गा प्रसाद दुबे उसका नाम है, जौनपुर का रहने वाला है और वो गाड़ी का असली मालिक था। उसके साथ में 12 तारीख को मारपीट करके उसकी गाड़ी को लूट लिया गया था और वो लोग उसको लेके जा रहे थे यहाँ से होते हुए, कई जगहों से घूमते हुए जनपद मिर्जापुर से होते हुए मध्य प्रदेश जाने का उनका प्लान था। और ये प्लान था कि उस व्यक्ति को वहाँ फेंक के गाड़ी को दोबारा ले जाके जौनपुर या इत्यादि जगह में बेचते। यह नॉलेज में आया है कि इसके संबंध में जनपद जौनपुर में अपहरण का मामला 235/22 धारा 365 ममता दुबे, जो उसकी पत्नी है, गाड़ी ओनर की, उसके द्वारा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने बोलेरो सवार 5 लोगों के पास से 3 तमंचा, 4 कारतूस, 1 चाकू बरामद किया है। तो वहीं दूसरी ओर एमपी संतोष मिश्रा ने लालगंज टीम को इस सराहनीय कार्य को देखते हुए 20,000 का इनाम देने की घोषणा की। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।